Hello, welcome to viewers in my channel Highway Guide. आज हम लोग जानेंगे कि segregation क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे. तो segregation क्या होता है? Segregation एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं. और सेग्रीगेशन कभी भी हो सकता है, कंक्रीट को मिक्स करते समय हो सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट करते समय हो सकता है, उसको प्लेसमेंट करते समय हो सकता है और ड्यूरिंग कंपैक्शन भी हो सकता है. तो सेग्रीगेशन क्या करता है? सेग्रीगेशन कंक्रीट को वीक बना देता है, कमजोर बना देता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को कम कर देता है. और सेग्रीगेशन होने से क्या होता है, उसका फिनिशिंग करने को प्रॉब्लम आता है, मैसन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है. और एक चीज़ ऐसी है, जब सेग्रीगेशन रहता है तो उस जहाँ पर सेग्रीगेशन होता है उस एरिया का स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है. उसको कभी भी चेक कर सकते हैं, जब रिबाउंड डायमंड से आप चेक करने जाइए कभी भी, तो वहां का उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है. तो सेग्रीगेशन को खत्म करने के लिए करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिससे कि सेग्रीगेशन नहीं हो? पहली चीज तो ये देखना चाहिए कि कंक्रीट बहुत ड्राई नहीं है, सूखी टाइप की नहीं है, या बहुत ज्यादा गीली तो नहीं हो गई है, ये ध्यान रखना चाहिए. तो हमको चार पॉइंट मेन हैं जो हमको कंक्रीट का सेग्रीगेशन ना हो उसको अवॉइड करने के लिए ध्यान में रखना है. पहली चीज क्या है, पहला कि क्या है, कंक्रीट को प्रॉपरली मिक्स करना चाहिए, कंक्रीट बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना चाहिए. और अगर कंक्रीट को ट्रांजिट मिक्सर में है तो ट्रांजिट मिक्सर में ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी स्पीड एकदम, जो उसका मिक्सर है उसकी स्पीड एक कांस्टेंट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है बहुत तेजी से चलने लगा है या बहुत धीरे चलने लगा है, या उसका जो स्पीड है वही वहां पर जहां तक कंक्रीट पोरिंग में पहुंचे उसकी स्पीड एकदम बराबर मेंटेन रखना चाहिए. और कंक्रीट पोर होने के 2 मिनट पहले उसको कायदे से उसको मिक्स कर लेना है. मिक्स करने में भी ये बिल्कुल नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पीड कर देना है या बहुत ज़्यादा धीमे कर देना है, और उसको 2 मिनट तक कंक्रीट पोर होने से पहले उसको कायदे से मिक्स कर लेना है, फिर उसके बाद उसको डालना है. दूसरी बात, हमको ये ध्यान रखना है कि कंक्रीट को जितना संभव हो सके, अगर बैचिंग प्लांट से निकल गया है तो जितना संभव हो सके उसको पोर कर देना है. ये नहीं कि बहुत देर तक रोक के रखना है या वहाँ पर पहुँचने पर मिक्स को ट्रांजिट मिक्सर का उसको रोक देना है या रास्ते में ही रुका हुआ जाना है, ऐसा नहीं करना है. उसको जितना जल्दी हो सके कंक्रीट को पोर कर देना है. तीसरा पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि कंक्रीट को हमेशा वर्टिकली डालना है, वर्टिकली यानी एकदम सीधे सीधे एकदम वर्टिकली उसको डालना है. और बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं डाल देना है. अगर मान लीजिए अगर उसका आपको संभावना भी हो रही तो 1-1.5 मीटर से ज़्यादा से कंक्रीट को पोर नहीं करना है. चौथा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है कि कंक्रीट में कभी एक्स्ट्रा पानी नहीं मिला देना है. एक्स्ट्रा पानी मिला के वर्कबिलिटी नहीं बढ़ाना है. अगर आप एक्स्ट्रा पानी बढ़ा के वर्कबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कंक्रीट पोर तो हो जा रही हो लेकिन वो सेग्रीगेशन कंक्रीट का हो जाएगा. तो कंक्रीट को कायदे से ड्यूरेबल बनाने के लिए और उसकी अच्छी स्ट्रेंथ लाने के लिए ये चार पॉइंट हैं. ये चारों पॉइंट अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो कंक्रीट का सेग्रीगेशन नहीं होगा. तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेग्रीगेशन क्यों होता है और उसका बचाव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.